अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको फिश करी मसालों में बनाना बता रही हूँ। से एक कप मैं फली ले ली। अब आपको जितने लगती वो हिसाब से लीजिए। इसको अपन भून लेंगे, सॉटे कर लेंगे। देखिए फली भुने गई। मैं 1 कप खोपरा पाउडर ले ली, इसको भी सॉटे करके निकाल लूंगी। 1 कप इससे मैं तिल ले ली, ये भी सॉटे करके निकाल लूंगी। मैरिनेट करेंगे। टू टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे थोड़ा ऑयल डाल के। अब ये पूरा फिश में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे 10 मिनट के बाद। ये मैं 1 डली प्याज तली थी, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और हरी मिर्ची हुई भी तली थी इसके साथ। ये कोथमीर हुआ है, इसमें डाल के ग्राइंड करूंगी। 2 हरी मिर्चियां भी डालूंगी ग्राइंड करके। कढ़ाई अब तेल डाल रही हूँ फिश फ्राई करने के लिए, जो अपन मैरिनेट करके रखे थे। देखिए फिश तलने के लिए मैं कढ़ाई में डाली। ऐसे टाइप का बनाइए, अच्छा टेस्टी होता सालन भी। ये सेकंड सेट डाल रही मैं। देखिए ये फिश तले गए, मैं निकाल ले रही हूँ। था जो निकाली थी, अब इसमें मैं सेकंड बैच भी निकाल ले रही हूँ। ऑयल में मैं अब जो है सो जीरा डाल रही हूँ, सालन बघारेंगे अपन। करिया पत्ता डाल रही हूँ और 4 हरी मिर्चों को पीसने से तोड़ दी। तोड़ के डाल फिर मैं करी मसाले तोड़ दी, वो भी फूटते हुए। मैं टमाटर का शाखा मार के बीच में से 4 वो स्लिट करके डाल दी। इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा तलेंगे, फ्लेम हाई पे रखते हैं। मैं इसमें मसाले जो पूरे पीस के रखी थी वो डाल रही हूँ। अब ये मसालों को भूनेंगे अपन।
इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसमें हरी मिर्ची भी डाली थी मैं, इसलिए लाल मिर्ची कम डाल रही थी। 1 चम्मच नमक, नमक चखने के बाद फिर थोड़ा कम है तो डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। पूरा मसाला अच्छा भुनेंगे। मसाले में से खोपरा फली, तिल में से कच्चा पना सलियाना भून के मैं थोड़ा पानी डाल के भूनूंगी। और पानी डालेंगे इसमें, हरी मिर्ची पीसी भी, मैं हरी मिर्ची डाली भी, इसलिए ग्रीन शेड दिख रहा। पकने के बाद में लाल मिर्ची का भी शेड आ जाएगा। स्टोव सिम पे करके मैं इसको लिड कवर कर दूंगी। मैं लिड हटा के देखूंगी अपना। देखिए लिड हटाने के बाद ये पोजीशन है अपने सालन का। अब मैं इसमें खट्टा डाल देती हूँ। खट्टा इसमें निकाली थी, खट्टा अपने अपने हिसाब से डालिए। मैं बंद मुट्ठी हैंडफुल ली थी, उसमें से भी मैं आधा खट्टा डाली, गाढ़ा निकाल के। तो खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। थोड़ा बॉईल आने के बाद अपन इसमें फिश डाल देंगे। थोड़ा हरा मसाला कोथमीर डाल रही मैं इसमें। खट्टा पकने को आ गया, खट्टा टेस्ट कर लीजिए, अगर कम है तो डाल सकते नमक को। मैं तो नमक थोड़ा कम दिख रहा, मैं थोड़ा नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून डालूंगी। मैं इसमें खट्टा पक गया, देखिए मैं इसमें ये फिश जब फ्राई करके रखी थी वो डालूंगी। चलिए मैं सिम पे, स्टोव सिम पे करके 5-7 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। देखिए मैं लिड हटा रही हूँ, बॉइल्ड हो रहा है अपना फिश करी, बनके रेडी हो गई। मसालों में बहुत टेस्टी होती, देखिए ऐसा बना के देखिए आप। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको अब डिश आउट करके बताती हूँ, स्टोव ऑफ कर रही हूँ मैं। देखिए फिश करी बनके रेडी हो गई मसालों में। मैं जैसा बताई स्टेप वाइज आप बनाइए, बहुत टेस्टी होती।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी कोई नई डिश अपलोड करूंगी तो आप तक पहले पहुंचेंगी। फिर मिलेंगे नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।